हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। मैं हूँ गौरव काबरा कोलकाता से। मैं इकोनॉमिक्स और फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कॉस्टिंग का टीचर हूँ यहाँ कोलकाता में, और यूट्यूब पे अक्सर कई सारे कॉन्सेप्ट वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर के आता रहता हूँ। अभी हम लोग एक अपने कॉन्सेप्ट सीरीज़ लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सीरीज़ में अपलोड करते हैं, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स इकोनॉमिक्स में अपलोड करते हैं। और इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अब इकोनॉमिक्स की भी एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। जी हाँ सर, इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट सीरीज़ में वी आर गोइंग टू अपलोड स्मॉल स्मॉल बट वेरी वेरी यूजफुल वीडियोज़, जो आपके लिए कोई एक कॉन्सेप्ट ज़रूर डिकोड करेगा। वैसे हम लोग की एक अलग से इकोनॉमिक्स और फाइनेंस की वीडियो कोर्स भी है, अगर आप चाहें तो उस कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस प्लेलिस्ट के साथ बने रहें, क्योंकि कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस इस प्लेलिस्ट पे अपलोड होने वाले हैं एंड आपको उससे सेल्फ प्रिपरेशन पे भी बहुत फ़ायदा होने वाला है। सो और कुछ अनाउंसमेंट करूंगा नहीं सर मैं, पहले आज के इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग इंट्रोडक्शन करते हैं, जो कि है सर ट्री ब्रांच टैक्सोनॉमी। थ्री ब्रांच टैक्सोनॉमी बेसिकली एक गज़ब का कॉन्सेप्ट था, जो कि हमारे एक बहुत ही रिनाउड इकोनॉमिस्ट ने लेकर के आया था, रिचर्ड मसग्रेव ने। और इन्होंने इस थ्री ब्रांच टैक्सोनॉमी के कॉन्सेप्ट के थ्रू पूरे वर्ल्ड को ये बताया था कि गवर्नमेंट को कब मार्केट के बीच में आना चाहिए, यानी कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द मार्केट। तो उससे रिलेटेड कई सारी बातें इन्होंने बोली, तो आइए सर हम लोग उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। मैं आपको ले आया हूँ अपने मटेरियल में, ये मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 2 है, जो हम लोग डेडिकेट कर रखे थे फॉर थ्री ब्रांच टैक्सोनॉमी। अभी मैं आपको इसी से पढ़ाऊंगा। तो सर सबसे पहले मैं बात करता हूँ गवर्नमेंट इंटरवेंशन की। तो ऐसा माना जाता था, एंड इनफैक्ट एडम स्मिथ जैसे बड़े इकोनॉमिस्ट भी ये मानते थे कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन की कोई खास दरकार नहीं है इकोनॉमी में। पर रिचर्ड मसग्रेव एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग, मैं कह सकता हूँ, थ्योरी के साथ में आए और उन्होंने बोला, नहीं यार, तीन एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट को बीच में आना ही चाहिए। नंबर 1 रिसोर्स एलोकेशन, नंबर 2 इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन, नंबर 3 इज मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलाइजेशन। हमारा काम है इन चीज़ों को ढंग से समझना। तो सर सबसे पहले शुरुआत करता हूँ रिसोर्स एलोकेशन की। ऐसा क्यों लगता था रिचर्ड मसग्रेव साहब को कि भाई हम लोग को रिसोर्स एलोकेशन में गवर्नमेंट की नीड है, मार्केट रिसोर्स एलोकेशन अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो सर सीधा सीधा बताऊं तो नेचुरल रिसोर्सेज को ही एक एग्जांपल ले लीजिए। नेचुरल रिसोर्सेज की ओनरशिप गवर्नमेंट के हाथों में होती है, और अगर आप उसको प्राइवेटाइज भी कर दो तो भी सर ज़्यादातर केसेस में ये देखा जाएगा कि जो बड़े बड़े हाउसेज हैं, जो मोनोपोली हाउसेज हैं, उन लोगों ने ज़्यादातर रिसोर्सेज अपने हाथ में ले लिए एंड छोटे व्यापारियों को और छोटे लोगों तक रिसोर्सेज कभी पहुँचे ही नहीं। ऐसे में छोटे लोग अपनी जगह पहचानने के लिए और अपने रिसोर्सेस पाने के लिए डेफिनेटली सरकार की तरफ ही देखेगी, एंड दैट इज़ व्हाई गवर्नमेंट हैज़ अ रोल टू प्ले हियर। गवर्नमेंट मार्केट में बीच में आता है और ये इंश्योर करता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो सबको इक्वली मिले और रिसोर्सेज पे हक सबको इक्वली मिले। इसीलिए रिसोर्स एलोकेशन की प्रक्रिया गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के बिना अधूरी है, और अगर मार्केट के ऊपर इसको छोड़ दिया जाए तो कुछ रिसोर्सेज एक्सप्लॉयट हो जाएंगे और कुछ रिसोर्सेज पे ध्यान ही नहीं दिया जाएगा। सो डेफिनेटली गवर्नमेंट हैज़ अ रोल टू प्ले, एंड रिचर्ड मसग्रेव साहब हम आपको मान गए। दूसरा पॉइंट है सर हमारा इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन। रिचर्ड मसग्रेव साहब का ये कहना था कि इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन में भी गवर्नमेंट का रोल है। क्या रोल है सर? रिचर्ड मसग्रेव साहब को ऐसा लगता था कि कई इकोनॉमीज है जहाँ पे इनकम और वेल्थ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ हैं। वेल, वो शायद इंडिया की तरफ ही देख रहे होंगे, क्योंकि इंडिया में भी मेरे दोस्तों ऐसा ही है कि यहाँ पे जो अमीर है वो बहुत अमीर है और जो गरीब है वो बहुत गरीब है। यहाँ इनकम बोल लो, वेल्थ बोल लो या अपॉर्चुनिटीज़ बोल लो, वो अमीरों के पास तो बहुत है, और जहाँ तक बात है गरीबों की तो उनके पास में एकदम नहीं है। तो इस इनइक्वालिटी का जो गैप है उसको कम करने के लिए सरकार को बीच में आना ही पड़ेगा, एंड दैट इज़ व्हाई दिस इज़ द सेकंड एरिया वेयर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज़ रिक्वायर्ड। मैं इसको प्यार से अपने वीडियो कोर्सेज में ऐसे समझाता हूँ कि यहाँ पे सरकार एक रॉबिन हुड मैकेनिज्म प्ले करेगी, यानी कि अमीरों से टैक्स लेगी और गरीबों में कुछ, मैं कह सकता हूँ, ऑफर्स या कुछ तरह के इंसेंटिव्स रोल आउट करेगी। सब्सिडीज भी आप उसको बोल सकते हैं। जैसे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन स्कीम है अपनी, अमीरों पे दुनिया भर का सरचार्ज लिया जाता है और गरीबों को 5 लाख तक तो टैक्स भी नहीं देना पड़ता। तो ऐसे में यू कैन क्लियरली सी दैट द गवर्नमेंट प्लेज अ रोल ऑफ रॉबिन हुड, यानी कि अमीरों से लेकर के गरीबों में बांट देने का। ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था और रिचर्ड मसग्रेव साहब ने इसको भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन के लायक एक टॉपिक समझा, एंड हम इसके लिए भी उनको थम्स अप करते हैं।
एंड फाइनली था मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलाइजेशन। यहाँ पे शायद वो कुछ डिप्रेशन या रिसेशन की कहानी सोच रहे होंगे अपने मन में। उन्होंने माना कि भाई एक मार्केट किसी भी रिसेशन या फिर किसी भी तरह की इनस्टेबिलिटी से शायद बाहर आ सकता है, लेकिन उसको इससे बाहर आने में समय बहुत लग जाएगा। एक मार्केट अगर खुद से अपने रिसेशन से या डिप्रेशन से बाहर आना चाहेगा तो वो करने में बहुत समय लगेगा। ये लगभग वैसी ही बात है कि आपको बुखार है और आप सोचो मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगा। तो सर खुद तो ठीक हो जाओगे, आपका इम्यूनिटी सिस्टम वर्क करेगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो टेक सप्लीमेंट्री मेडिसिन जो आपको हेल्प करेगी और जल्दी रिकवर करने में। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बोला कि अगर मार्केट में कोई भी तरह की इनस्टेबिलिटी है तो उस समय मार्केट के पास में भले ही बहुत ताकत है उससे बाहर आने की, लेकिन गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से वो स्टेबिलिटी जल्दी आएगी। एंड इसलिए गवर्नमेंट को यहाँ पे भी इंटरवेंशन करना चाहिए। सो इन शॉर्ट या इन क्रक्स रिचर्ड मजग्रेव आखिर बोल क्या रहे थे? उन्होंने लास्ट में यही बोला कि भाई गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की तीन जगह तो सख्त दरकार है, या तीन फंक्शंस हैं जो गवर्नमेंट को रोल प्ले करने ही चाहिए। नंबर वन, रिसोर्स एलोकेशन पे ध्यान देना चाहिए। एक जस्टिफाइड रीजनेबल आधार पे सब लोगों में रिसोर्स एलोकेशन होनी चाहिए, और ना ही रिसोर्सेज ओवर एक्सप्लॉयट होने चाहिए या ही अंडर एक्सप्लॉयट होने चाहिए। वहीं पर इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट के थ्रू हमने इनकम, वेल्थ और अपॉर्चुनिटीज़, इन तीनों की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पर गौर किया और गवर्नमेंट को बोला कि सर आप इंटरवीन कीजिए, नहीं तो अमीर और अमीर होते जाएंगे और गरीब और गरीब। और फाइनल टॉपिक था अपना मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलाइजेशन, जो अपने वो ये बता रहा था कि अगर मैक्रो इकोनॉमी में कोई भी तरह की इनस्टेबिलिटी है तो सरकार आपको उस इनस्टेबिलिटी से बाहर आने के लिए थोड़ा हेल्प कर सकती है। सो व्हाई नॉट अलाउ देम टू इंटरवीन इन द मार्केट। सो इसी सब कॉन्सेप्ट को, इन्हीं तीन चीज़ों को मिला करके हम लोग बोलते हैं 3 ब्रांच टैक्सोनॉमी, और ये इतना सा ईजी सा कॉन्सेप्ट था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर कीजिए विथ योर फ्रेंड्स। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे लिखें कैसा आपको ये लगा मेरा समझाने का तरीका, या फिर कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट, और उसके बेसिस पे आप मुझे बताएं कि आपको ये इजी लगा या हार्ड लगा। आपको वीडियो अच्छा लगने पर आप डेफिनेटली इसको लाइक करें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब जरूर करें या प्लेलिस्ट को फॉलो ज़रूर करें, बिकॉज हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट वीडियोस इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस प्लेलिस्ट में डालने वाले हैं, एंड अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। विद दैट बीइंग सेड, आज के लिए मैं विदा लेता हूँ, आपको अगले वीडियो में ज़रूर मिलूंगा। टिल देन बाय बाय।